गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 8, क्लास आपकी 8, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, और चैप्टर 3 स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स आखिर होते क्या हैं, व्हाट इज स्क्वेयर एंड व्हाट इज स्क्वेयर रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्क्वेयर। स्क्वेयर का मतलब होता है ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ठीक है, एक नंबर को टू टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास स्क्वेयर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये 4। इसको अपने क्या ले सकते हैं, 2 की स्क्वेयर। मतलब 2 की स्क्वेयर के अंदर जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, 2। इसे हम बेस बोलेंगे, और ये वाली क्या हो जाएगी, आपकी पावर। ठीक है, बेस एंड क्या हो जाएगी, आपके पास पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 7 की स्क्वेयर। 7 स्क्वेयर क्या हो जाएगी, 7 स्क्वेयर देखो, 7 × 7। स्क्वेयर का मतलब होता है कोई नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, या फिर उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, आपके पास 2 होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास स्क्वेयर हो जाएगा। 7 की स्क्वेयर क्या हो जाएगी, 7 × 7 = 49। ओके, इस तरीके से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कई सारे स्क्वेयर लिखा रहा हूँ, उन सभी स्क्वेयर्स को आपको लर्न करना है। ठीक है, इससे हम बात करते हैं 1 की स्क्वेयर। वन स्क्वेयर 1 होता है बच्चों। 2 का स्क्वेयर क्या होगा, 2 × 2 = 4। 3 स्क्वेयर 9। 4 स्क्वेयर 16। 5 स्क्वेयर 25। 6 स्क्वेयर 6 × 6 क्या होता है, 36। 7 स्क्वेयर 49। 8 स्क्वेयर 64। 9 स्क्वेयर 81। और 10 का स्क्वेयर 100। इसी टाइप से आपको लर्न करने 11 के भी। 11 स्क्वेयर क्या होगा, 121। 12 का स्क्वेयर होगा 144। 13 का स्क्वेयर होगा 169। 14 स्क्वेयर 196। 15 स्क्वेयर 225। 16 का स्क्वेयर 256। 70 स्क्वेयर 289। 18 स्क्वेयर 324। 19 स्क्वेयर 361। एंड 20 स्क्वेयर 400। ठीक है, तो ये 1 to 20 तक आपको स्क्वेयर लर्न करने हैं। तो स्क्वेयर करना आपको सीख आ गया होगा अब तक के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फाइंड द स्क्वेयर ऑफ 56। 56 का आपको स्क्वेयर फाइंड करना है, तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा, देख लीजिए। 56 का स्क्वेयर फाइंड करना है, तो 56 का स्क्वेयर क्या होता है बच्चों, 56 × 56। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बाद में कराऊंगा। 56 × 56 अगर आप नेचुरली ऐसे करोगे तो देख लो क्या आ जाता है, 6 × 6 = 36, 3 कैरी। 5 × 6 = 30 and 3 = 33 क्रॉस आएगा, ये सेम 5 × 6 = 33 कैरी। 5 × 5 = 25 and 3 = 28। तो कितना आ गया आपके पास, 6 × 3 = 11 3 3 × 1 = 36 आपका क्या आ जाएगा, 56 का क्या आ जाएगा, स्क्वेयर आ जाएगा। तो देख लीजिए स्क्वेयर फाइंड करना आपको मेरे हिसाब से आ गया होगा, और जो ये स्क्वेयर है आपके बुक में भी एज इट इज़ दिया है 1 to 20 तक के, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। इसके बाद आप स्टूडेंट्स पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर ओपन कर लीजिए 34, आपके बुक का पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए। और इस पेज पर आपको परफेक्ट, आपको एक नंबर दे रखा है उसका परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको ये लर्न करने हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर, जैसे मान लीजिए एक्स है, कोई नंबर एक्स है,
तो x का जो स्क्वायर होगा वही इसका क्या होगा, आपके पास स्क्वायर होगा, ठीक है ना। x का आपने पावर 2 कर दी। देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है, ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो हमारे पास देखिए, या फिर प्रीवियस पेज पर आओ एक बार, इधर देखिए, इसमें ऐसे कौन से नंबर है, 1 to 10 तक ऐसे कौन से नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स? वो ऐसे नंबर है जिनका जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा, वंस प्लेस पर नंबर आएगा, वो सेम नंबर है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो एक तो 1 आ गया आपका, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, 9, 4, 6 नहीं 5 and 5, यहाँ पर भी 1 प्लस 5, ये भी 5, तो एक सेकेंड नंबर ये हो जाएगा। थर्ड नंबर 6 and 6, ये भी हो जाएगा 7, 9 हो गया, 8, 4 नहीं 9, 1, 0, 0, तो 0 and 0। तो हमारे पास 4 नंबर है, 1, 5, 6 और 0, 1, 5, 6 और 0। तो बच्चों ये जो नंबर आए हैं ना, वो ऐसे नंबर है जिनका आप स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर आएगा वो सेम ही इसका नंबर आ जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 की स्क्वायर 25, तो 1 स्प्लेस पर 5 आ गया, इसका 36 आ जाएगा और इसका 0 का 0 ही आ जाएगा। तो इसमें नंबर आपके चेंज नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। इससे चाहे इस रो में आ जाओ आप, 1 है तो 1 ही आ रहा देख लो, और 5 है तो 5 ही आ रहा देख लो 1 प्लेस पर, 6 है तो यहाँ भी 6 आ रहे हैं, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 आ रहे हैं। तो ये नंबर ऐसे हैं जिनका सेम एज इट इज आ जाएगा आपके पास वैल्यू। अच्छा एक चीज आपको और मालूम रखनी है, 2 नेगेटिव नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हो, 2 नेगेटिव नंबर्स, जैसे मान लीजिए माइनस का 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, और 3 से क्या हो जाएगा 9। तो ये आपको क्लियर है, देखो ये नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है, और हमारा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव नंबर में आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखना कि नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करोगे, जैसे माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, प्लस 25। स्क्वायर करते वक्त कोई भी नंबर आप लिखोगे उसका रिजल्टेंट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आप कोई काम की चीज़ तो आपको देखिए, एक हेडिंग है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रिपलेट जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं, क्या होता है ये ट्रिपलेट, 2n(n²-1, n²+1। देखिए हम करते क्या है, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, कहते हैं फाइंड द अदर टू नंबर्स ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वन नंबर इज कितना आपके पास 12 है, तो बाकी दोनों आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपको सिंगल नंबर आपको जो 12 दिया हुआ है, इसके अलावा जो बाकी के टू नंबर ट्रिपलेट है वो आपको फाइंड करने हैं। तो हम बोलेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ए पाइथागोरस ट्रिपलेट 2m(n²-1), या फिर 2n(n²-1, n²+1। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, आपका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो 2n(n²-1, n²+1 होता है। तो आपको 2n फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ आपको 12, तो 2n की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 12 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/2 कितना हो गया 6 आ गया, n की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और आपका यहाँ पर क्लियर हो गया n की वैल्यू। अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो देख लीजिए 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 into n की वैल्यू 6, 2 into 6 कितना हो जाएगा 12। अच्छा सेकेंड है n²-1,
एन स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर माइनस वन, सिक्स स्क्वायर होता है 36, माइनस वन क्या हो जाएगा 35, और एन स्क्वायर प्लस वन की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा 36 प्लस वन कितना हो जाएगा 37, 12, 35 एंड 37, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। तो 12, 35 और 35, अब बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट आखिर होता क्या है, जो मेन बात है वो आप समझेंगे हम। पाइथागोरस ट्रिपलेट आखिर होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 2, 3 और 5 में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट लेता हूँ, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब है कि फर्स्ट टू नंबर का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो इक्वल आएगा आपका 5 के स्क्वायर के, तो इसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3, 4, 5 आपके पास एक ट्रिपलेट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल आएगा 5 के स्क्वायर के। देख लेना 3 के स्क्वायर क्या होगा 9, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा 25 प्लस इक्वल टू 25, तो यहाँ पर LHS की वैल्यू RHS के आपके क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये था आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट, और यहाँ पेज नंबर 35 का एग्जांपल नंबर फर्स्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके आगे जो करवाएंगे वो हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।